उठा लिया। एक हाथ से उठा लिया इसे, और बोल क्या चाहिए तुझे। वाह, उठा लिया अम्मा, उठा लिया। उठा तो लिया है, किंतु ऐसे ही खड़े खड़े उछाल नहीं पाओगे। ऐसा उछाल के दिखाओ। देख मेरी तलवारबाजी। ये तो चक्रपाणी का शिष्य देवोदास है, इतना पढ़ लिख कर भी ये चोरी कर रहा है। क्यों? एक तलवार से तो कोई भी ऐसे कर सकता है। अच्छा, दो तलवार एक साथ चलाकर दिखाओ तो मानू। इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत अच्छे, अब दोनों तलवार चलाते हुए एक पैर पर खड़े हो सकते हो ऐसे। मैं नहीं, अम्मा देखना चाहती है। ये तो कर लिया, किंतु अब ये करते हुए अपने दोनों पैर उठा सकते हो। जो तुमने कहा था मैंने तो करके दिखा दिया, यदि तुम में हिम्मत है तो कर दिखाओ। मैं? अरे नहीं नहीं मित्र, मुझे ये सब कहाँ आता है, मुझे कदापि नहीं आता। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें आता है या नहीं। उचित है, अब मुझे क्या क्या आता है बिहार से 5 दिवस बाद तुम्हें पता चलेगा। युद्ध में तैयारी रखना। ओ, तुम सब भयभीत मत हो, ये योद्धा तो है किंतु मूर्ख है। मैं इसे अवश्य पराजित कर दूंगा, किंतु सोचना ये है कि कैसे। अरे तुमने हमको ही उठाकर पटक दिया, हमको ही, अपने शुभचिंतक को। तो मैं क्या करता, उसी ने मुझे कहा कि उठाकर पटक कर दिखाओ इसे, तभी मैं तुम्हारे बल को मानूंगा, तो मैंने वही किया। अब मुझे क्या पता था कि उस कंबल के अंदर आप हो, और तुम उसके कहे में आके स्वयं ही धराशायी हो गए। अब तो समझ में आ गई ना, है? यही हाल रहा तो आपको पराजित करते उसे समय नहीं लगेगा। मुझे किसी भी कीमत पर परास्त नहीं होना है। अब आप ही हमें कुछ मार्ग बताइए कि मैं विजय श्री को किस तरह प्राप्त करूं। अब जो भी करना होगा हमें ही करना होगा, और हम करेंगे। हमें एक ऐसा उपाय मिल गया है जिसे पंडित रामाकृष्णा का ध्यान तुम पर नहीं जाएगा। एक नई और बड़ी समस्या खड़ी होगी जिससे तुमसे निपटने का उपाय पंडित रामाकृष्णा ढूंढ नहीं पाएगा और पराजित हो जाएगा। परंतु ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न करेंगे आप? शैतान सिंह, इस बार दोहरा वार होगा। समस्या बहुत बड़ी है और पंडित रामाकृष्णा की पराजय सुनिश्चित है। पंडित रामा कृष्णा। आखिर इस देवोदास से क्या शत्रुता है तुम्हारी माता? इतना शिक्षित होने के बाद भी कोई रोजगार नहीं है मेरे पास। माता आखिर कब तक
कब तक मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा? माता कब आएंगे मेरे अच्छे दिन? समझो अच्छे दिन ने तुम्हारे घर का द्वार खटखटा दिया है देवोदास। गुरुदेव आप तो विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य हैं ना, आप मेरे घर पे कैसे? क्या आप मुझे जानते हैं? हम तुम्हें भली भांति जानते हैं देवदास, तुम चक्रपाणी के मेधावी शिष्य रहे हो, परंतु तुम्हारी ये दशा देखकर हमें उनकी शिक्षा पर संदेह हो रहा है। कल देखा था हमने तुम्हें मिठाई की दुकान पर सबसे दृष्टि बचाकर मिठाई चुराते हुए। तो मैं क्या करता? इतना शिक्षित होने के बावजूद मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न नहीं है। अगर चोरी ना करूं तो क्या करूं? अपने इस पेट को कैसे भरूं? चोरी के अलावा मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। हम तुम्हें मार्ग दिखाने आए हैं देवदास, यूं समझो कि शीघ्र ही तुम्हें एक बड़ा खजाना मिलने वाला है। गुरुदेव चौंक रहे, हम सत्य कह रहे, बस तुम्हारे दुख के दिन दूर होने वाले हैं, परंतु तुम्हें बस वही करना होगा जो हम कहेंगे। करोगे? जी गुरुदेव, करूंगा। अब तुम्हारी नींद उड़ने वाली है पंडित रामकृष्णा। क्या हुआ? अभी हुआ ही क्या है? होगा तो तब जब आप पराजित होंगे और हम शैतान सिंह के दास बन जाएंगे। अरे तुम लोग अभी भी शैतान सिंह को लेकर इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? कल तुमने देखा ना मैंने क्या दशा की उसकी। क्या तुम लोग मिले लामा को परेशान कर लो? मिले लामा के पास हर चीज का समाधान होता है, उसके पास अकाले में जीतने का भी समाधान हो गई है ना लामा। अरे अभी तक कहा कुछ सोचा है? कैसे जीतूंगा ये भी ज्ञात नहीं। जल्दी से बता दे लामा, तेरे पास जीतने की युक्ति है ना? नहीं, किंतु सोच लूंगा। कब? हमारे दांत बनने के बाद। लामा तू पहले ऐसा नहीं ला, ऐसे तो अत्यधिक अधिक दिनों के लिए नहीं ले पाएगा। अब कब सोचेगा मेरी मृत्यु के पश्चात? अम्मा आप ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे अम्मा ऐसा क्यों कह रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ अवश्य सोच लूंगा, थोड़ा धैर्य रखो तुम लोग। एक तो अभी उठते उठते ही भूख लग गई है, मैं स्नान करके आता हूँ, मेरे लिए भोजन परोसो। हाँ पंडित रामकृष्णा, पंडित रामकृष्णा। अरे मंत्री वर आप, प्रणाम। पंडित रामकृष्णा, महाराज के आदेश पर हम आपको योद्धा बनाने का अभ्यास करवाने आए हैं। चलिए अभ्यास आरंभ करते हैं। अभ्यास? अर्थात महाराज मुझे योद्धा बनाकर ही रहेंगे? नहीं नहीं, महाराज को ज्ञात है कि आप बुद्धि के योद्धा हैं, परंतु उनका यह भी कहना है कि शैतान सिंह से निपटना कोई सरल कार्य नहीं होगा। मंत्रीवर मैं किसी भी तरह शैतान सिंह को पराजित कर दूंगा। पंडित रामकृष्ण, अखाड़े में बुद्धि चलाने के लिए समय चाहिए और उसके लिए अखाड़े में टिकना आवश्यक है, और अखाड़े में टिकने के लिए सतर्कता और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। चलिए तो आज हम आपको योद्धा बनने के सारे गुण सिखाते हैं। चलिए भूख, चलिए चलिए अभ्यास चलिए। अरे मंत्रीवर। हाँ पंडित रामकृष्ण, आज हम आपके मंत्रीवर नहीं है। तो कौन है? आज हम आपके प्रशिक्षक हैं, और आपको हमारे हर आदेश का पालन करना होगा, आरंभ से आपको सब कुछ सीखना होगा। चलिए नमस्कार कीजिए। नमस्कार? अरे नमस्कार तो मैं बहुत सरलता से कर सकता हूँ, बाल्यकाल से करता आया हूँ। अति उत्तम, कितना कर लेते हैं आप? आप जितना बोलेंगे उतना कर लूंगा प्रशिक्षक जी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कर सकता हूँ। हाँ बहुत अच्छे, तो आरंभ करिए। अच्छा हाँ। नमस्कार हाँ? एक और एक और एक और हाँ? नमस्कार, बड़ा मजा आ रहा है। एक और पंडित रामकृष्णा, ये क्या कर रहे हैं आप? नमस्कार। अच्छा तो ये नमस्कार आप बाल्यपन से करते आ रहे हैं? नहीं नहीं, हम ये नमस्कार नहीं, बल्कि हम उस नमस्कार की बात कर रहे हैं जिससे कि शरीर की भुजाएं ताकतवर होती हैं, जैसे कि दंड बैठक और सूर्य नमस्कार। बिछाइए।
आपको 100 दंड बैठक और 200 सूर्य नमस्कार करने। चलिए आरंभ कीजिए। कितने दिनों में करने हैं? अभी इसी क्षण प्रारंभ कीजिए। अभी? अरे करिए ना। एक, अरे 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 पंडित रामकृष्णा, क्या कर रहे हैं आप? अभी तो केवल 5 ही हुए हैं और 93 शेष हैं। ठीक है, अब हम समझ गए कि आपसे क्या करवाना है। क्या क्या करवाना है? वही जो आप सरलता से कर सकते हैं, दौड़। हम दौड़ते हुए इस वन के 7 चक्कर लगाएंगे। चलिए, नहीं उचित है, फिर दंड बैठक कर लीजिए। चलिए चलिए, दौड़िए दौड़िए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, भाई वाह। चलिए चलिए, अरे चलिए, बहुत अच्छे। बंदी भाई, इधर भागते हैं, इधर। चलिए चलिए पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण। हाँ, हम आपको बताते हैं कि इस झाड़ियों में किस प्रकार से भागा जाता है। हाँ, अपनी आंखों को बचा के रखिए। हाँ देखिए, हम आपसे कह रहे हैं ना ये। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, चलो मंत्री वैसे तो प्राण बचे। आम का बगीचा है और भूख लगी है, सही जगह आया रामा। हाँ बंधु, अब जी भर के आम खाएंगे। दो सस्त्र एक, दो सस्त्र दो, दो सस्त्र तीन, दो सस्त्र चार। तू पत्थर क्यों मारा? अरे अब भाग क्यों रहा है? अभी तो भागने में ही भलाई है। अच्छा ये करने आया था, रोक कैसे बताता हूँ। क्या लगा था तू मुझसे तेज भाग सकता है? मुझे परेशान करने के लिए आया था? देख देख, मैं जैसे तुझे मार मार कर मक्खी बनाता हूँ। ले रामा, इसे कहते आसमान से टपके और खजूर में लटके, अब इससे कैसे निपटेगा? आज तो तुझे सचमुच मसल के रख दूंगा। वाह, आज बिल्ली के मुंह से शेर की दहाड़ आ रही है। रामा ये क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी पैर पर नहीं गिरी तो पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, इससे भिड़ेगा तो ये मसल देगा। रामा जी तो चाहता है कि तुझे सच में मजा चखा दूं। 5 दिन की प्रतीक्षा नहीं हो रही मुझसे। आजा फिर। अरे आजा आजा, क्या करता है? मेरा क्रोध मेरे मस्तिष्क पर चढ़ गया है। तुझे तो मैं यहीं पटक कर मार देता, किंतु किंतु क्या? राजा क्या? राजा की आज्ञा रोक रही है मुझे। क्या है, यदि मैंने तुझे मारकर तेरी दशा बुरी कर दी ना, तो महाराज कुपित हो जाएंगे और राज आदेश का उल्लंघन करने के दंड स्वरूप हम दोनों को कारावास भिजवा देंगे। तुझे कारावास जाना है क्या? नहीं, मुझे कारावास नहीं जाना। हाँ मुझे भी नहीं जाना कारावास,
इसलिए मैं तो मुकाबले के दिवस की प्रतीक्षा करूंगा। है चलता। परंतु तेरा दंड कैसा दंड? उन्हें मुझे मधुमक्खियों से कटवाया है, उसका दंड। और वो दंड मैं तुझे देकर ही रहूंगा पंडित रामा। ने मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर मारा था ना, अब मैं तुझे यूं ही घुमाकर उस छत्ते पर मारूंगा। मूर्ख, मैंने पत्थर नहीं मारा। अच्छा, तो अपने आप उड़कर आ गया था। अब मैं कैसे समझाऊं तुझे, क्या है कि तू स्वयं को मेरी जगह पे खड़ा रखकर देख ही नहीं सकता। अच्छा हाँ, तो हट, मैं आ गया तेरी जगह, अब बोल। आ, कितना बुद्धिमान है तू। वैसे मुझे भूख लगी थी। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तो मैंने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, तूने उठाया? अभी तक तो नहीं उठाया, उठा लेता हूँ। तत्पश्चात आम तोड़ने के लिए मैंने उधर पत्थर फेंका। अच्छा, तो मैं भी घुमाकर मार देता हूँ। घुमाकर नहीं मारना है, उस दिशा में मारना है जिस दिशा में मैंने मारा था। स्वादिष्ट आम। हाँ, उस दिशा में निशाना लगा के पत्थर मारना। हाँ, आम टूटकर गिरेगा। आज भर पेट खाऊंगा। अब समझ में आया, ये हुआ था, घूम के पत्थर छत्ते पे लगा था, मधुमक्खी घूम कर आ गई, अब निपट मधुमक्खियों से। अर्थात पंडित रामाकृष्णा की पराजय सुनिश्चित है। भगवान, ये हाथी जैसे शैतान से मिलती शक्ति के साथ पटका, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जबड़ा ही टूट गया। ओ, मार दिया। ये भिखारी कौन है? इसको भीतर कैसे आने दिया? मैं भिखारी दिखता हूँ तुम्हें? रुको, तुम्हें बताता हूँ। अभी बटकू क्या, पहचानते भी नहीं अब? नहीं नहीं नहीं, पहचान लिया, पहचान लिया। पटक पटकला मत, हमारा जबड़ा पहले छूट चुका है। हराम हराम। अरे मेरी कमर। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे ये आपके सुंदर मुख पर क्या हुआ शैतान सिंह? अरे ये भी रामा का ही किया धरा है। उस दिन मुझे अपने घर के सामने गिरा दिया और अब मधुमक्खियों से कटवा दिया उसने। शैतान जी, जब भी रामा कुछ करे उससे सावधान रहना। हाँ? अरे ये रामा मुझे मुकाबले तक ठीक रहने देगा भी कि नहीं? चिंता मत करो शैतान सिंह, चिंता मत करो, आज उसकी युक्ति पर ताला लग जाएगा। अरे ताला तो दरवाजे पे लगता है, उसमें कैसे लगेगा? ये युक्ति भी तो बुद्धि के द्वार से बाहर निकलती है ना। बस यूं समझ लो, आज पंडित रामाकृष्णा की बुद्धि का द्वार बंद होने वाला है। आज दरबार में पंडित रामाकृष्णा पर एक और आक्रमण होगा। दो तरफा वार लाएगा पंडित रामाकृष्णा की हार। महामंत्री जी। महाराज, पंडित रामकृष्ण का अभ्यास ठीक तो चल रहा है? नहीं महाराज, पंडित रामकृष्ण नहीं कर पा रहे हैं, वो तो हमें चकमा देकर भी भाग गए। अब भला उन्हें हम कैसे कुछ सिखा पाएंगे महाराज? परंतु आपको उन्हें सिखाने का प्रयास करते रहना चाहिए थे महाराज जी। अंततः अष्ट दिग्गज हैं विजयनगर के, अब अष्ट दिग्गज की पराजय समझो दरबार की पराजय। आने दीजिए आज पंडित रामकृष्ण को, उन्हें आज उत्तर देना होगा हमारे प्रश्नों का। पंडित रामकृष्ण के पराजित होने के पश्चात महाराज उससे अष्ट दिग्गज का पद अवश्य छीन लेंगे।
ना महाराज। क्या मंत्रीवर, आप मुझे वहाँ झाड़ियों में छोड़कर आ गए। पता है मैं आपको कितना ढूंढ रहा था। क्या पंडित रामकृष्ण, ढूंढ तो हम आपको रहे थे, पर आप हमें वहाँ मिले नहीं, इसीलिए हम यहाँ आ गए। हमें तो लगता है आप हमें चकमा देकर कहीं चले गए थे। शिव 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 शिव, कैसी बातें करते हैं, मैं भला आपको चकमा दे सकता हूँ? अरे मैं तो स्वयं वहाँ झाड़ियों में फंस गया था। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या क्या लगा रखा है। ईश्वर, मैंने पता है कितनी आवाजें भी दी आपको, मंत्रीवार मंत्रीवार मंत्रीवार, किंतु आपने सुना ही नहीं। देखिए देखिए क्या। फिर यहाँ दरबार में आने के लिए विलंब होने लगा, तो भागा भागा मैं यहाँ चला आया। देखिए महाराज क्या हालत हुई है मेरी। क्षमा कीजिए पंडित रामकृष्ण, हो सकता है कि हम आपको झाड़ियों में देख ही ना पाए हों। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था। हाँ हाँ। चलो बच गया। आज की कार्रवाई आरंभ की जाए महामंत्री जी। महाराज महाराज कुछ फरियादी आए, प्रस्तुत किया जाए उन्हें। जो आज्ञा महाराज। बस तुम्हारे दुख के दिन दूर होने वाले हैं, परंतु तुम्हें बस वही करना होगा जो हम कहेंगे। ये फरियादी नहीं, नई आफत है पंडित रामकृष्णा के लिए। प्रणाम महाराज, मेरा नाम देवोदास है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। कैसा अन्याय हुआ है आपके साथ? महाराज, किसी ने मेरा धन बहुत सालों तक टुकड़ों में लिया है और अब वो देने से इनकार कर रहा है। महाराज मुझे मेरा धन ब्याज सहित वापस चाहिए। और वो व्यक्ति कौन है? उनका नाम है आचार्य चक्रपाणि। आपको क्या है, आप किस पर आक्षेप लगा रहे हैं? वो हमारे गुरु हैं। महाराज झूठ कहूँ तो सर कटवा दीजिए, आप चाहे तो उन्हें बुलाकर पूछ सकते हैं, यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा दाव सही चल रहा है। आचार्य चक्रपाणि को सम्मान यहाँ रात दरबार में प्रस्तुत किया जाए। विजयनगर नरेश को आचार्य का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम गुरु। कहिए महाराज, हमें कैसे स्मरण किया? प्रणाम गुरुवर। अरे देवोदास, तुम यहां भी पहुंच गए? विक्षिप्त हो गए हो क्या? विक्षिप्त? जी महाराज, ये आज प्रातःकाल ही हमारे निवास पर आया था और हमें व्यथित कर रहा था। आपकी शिक्षा मुझे रोजगार नहीं दिला पा रही है, इसीलिए आज तक विद्या अध्ययन के स्वरूप जितना भी धन मैंने आपको शुल्क के रूप में दिया है, वो मुझे ब्याज सहित वापस चाहिए। देवोदास, और इस विक्षिप्त को देखिए महाराज, ये यहाँ भी चला आया। क्यों देवोदास, क्या यही बात है? महाराज मैं बेरोजगार हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे बचपन में ही इनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया था। हर माह 100 मुद्रा का शुल्क भी देते थे। इन्होंने मुझे पूरे 12 वर्षों तक पढ़ाया, उसके पश्चात 5 वर्षों तक मैं देश में रोजगार के लिए भटकता रहा। आने जाने में, खाने पीने में मेरा बहुत सा धन व्यर्थ हो गया। महाराज जब इनकी शिक्षा मुझे रोजगार नहीं दिला सकती तो मेरे किस काम की? मुझे मेरा धन पुनः चाहिए महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं देवदास? गुरुवर ने आपको शिक्षा दी, जिसके एवज में आपके परिवार ने इन्हें शुल्क दिया, अब आप कह रहे हैं आपको वो शुल्क पुनः चाहिए? क्या ये अनुचित नहीं होगा? ये सरासर धूर्तता है महाराज। कैसी धूर्तता? मूर्ख तो मैं बना हूँ, जिस रोजगार को पाने के लिए शिक्षा ग्रहण की, वही रोजगार मुझे आज तक नहीं मिल पाया। जबकि शिक्षा देने का इनका रोजगार मेरे बाल्यकाल से चला आ रहा है। बस देवोदास, तुम अपनी सीमाएं लांग रहे हो। मैं केवल सत्य कह रहा हूँ। आप ही बताइए महाराज, यदि आप दुकान से आलू या कोई वस्तु धन देकर खरीदते हैं और वो वस्तु खराब होती है या कार्य योग्य नहीं होती, तो दुकानदार धन देता है या नहीं? बहुत अच्छी। वैसे ही यदि इनकी शिक्षा
मुझे रोजगार नहीं दिला पा रही तो मेरा धन पुनः लौटना चाहिए। बिल्कुल लौटना चाहिए। ये मुझे अकेले की आवाज नहीं है, और भी बहुत है मेरे जैसे। भीतर आ जाओ मित्रों। महाराज, इनको भी अपनी शिक्षा का धन पुनः चाहिए। महाराज, क्योंकि इन्हें भी शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार नहीं मिल पाया है। अच्छा, तो तुम सब हमारे छात्र होकर भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। न्याय की गुहार को यदि आप षड्यंत्र कहेंगे गुरुदेव, तो स्मरण रखिए, इस आवाज को क्रांति में बदलने में विलंब नहीं होगा। हम सब शिक्षा के षड्यंत्र के मारे हुए हैं। हमारे परिवार ने बचपन से ही अपना पेट काट कर हमारी शिक्षा का शुल्क भरा है, परंतु शिक्षा पूरी होने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि यह शिक्षा हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर ऐसी शिक्षा पर खर्च किया गया धन आप पुनः लौटा क्यों नहीं देते आचार्य जी? हमको न्याय चाहिए महाराज। जिस देश में युवा हमारी तरह मूर्ख बनते हों, उस देश का क्या होगा महाराज? हमें न्याय चाहिए महाराज। महाराज, समस्या अत्यंत जटिल है। यदि सारे बेरोजगार लोग यहाँ राज दरबार में एकत्रित हो गए तो यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया तो राज्य में विद्रोह फैल सकता है। रामा, कहा था ना कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है इन छात्रों को मोहरा बनाकर। इससे पूर्व की ये चिंगारी अग्नि बनकर पूरे नगर को भस्म कर दे। इस चिंगारी को बुझाना होगा रामा। महाराज, आप किस सोच में पड़ गए? कृपया हमें न्याय दिलवाइए, हमें हमारा धन पुनः दिलवाइए महाराज। पंडित रामकृष्ण से भी सहायता की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो स्वयं शैतान सिंह की चुनौती से विचलित है। महाराज दुविधा में है, मुझे ही कुछ करना होगा। आप सब महाराज के दरबार में न्याय के लिए आए हैं तो न्याय अवश्य मिलेगा, किंतु ध्यान रखिए, शोर मचाने से न्याय नहीं मिलता, तर्क और साक्ष्य से मिलता है। अब और क्या तर्क और साक्ष्य चाहिए आपको, जबकि हम पीड़ित स्वयं आपके समक्ष खड़े हैं। हमें न्याय चाहिए। ठीक है, आप हमें एक दिवस का समय दीजिए, विश्वास रखिए आपको न्याय अवश्य मिलेगा। पंडित रामकृष्ण जी, आप किन्हें न्याय देने की बात कर रहे हैं? ये लोग न्याय से नहीं छल से धन प्राप्त करना चाहते हैं। हमें तो ये कहते हुए भी लज्जा आती है कि ये हमारे छात्र हैं। किंतु एक बात हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, हम इन्हें एक ढेला भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास धन है ही नहीं। हमारे पास धन है ही नहीं महाराज। ये तो आज ही धन देने से मुकर रहे हैं, तो फिर हम कल की प्रतीक्षा क्यों करें? हो सकता है कि कल निर्णय गुरुवर चक्रपाणी के पक्ष में हो और इन्हें धन देने की आवश्यकता ही ना पड़े।
हो सकता है ये सिद्ध हो जाए कि इनकी दी हुई विद्या व्यर्थ नहीं गई। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, मैं सिद्ध करूंगा। कैसे सिद्ध करेगा? और आप यदि सिद्ध नहीं कर पाए तो क्या आप चक्रपाणि जी के स्थान पर हमें अपना धन देंगे? वाह, बहुत अच्छे। चुप क्यों हो गए पंडित रामाकृष्णा? हमारा धन ब्याज सहित लौटाएंगे। उत्तर दीजिए। बताइए पंडित रामाकृष्णा जी, क्या आप हमें अपना धन पुनः देंगे? यदि आप हाँ कहते हैं तभी हम कल तक प्रतीक्षा कर सकते हैं, अन्यथा हमें न्याय आज ही चाहिए। वाह, हमारी चाल सफल हो रही है। पंडित रामाकृष्णा हमारे षड्यंत्र में फंस रहा है। उचित है, यदि मैं आपको गलत सिद्ध नहीं कर पाया तो गुरुवर चक्रपाणि के स्थान पर आपका धन मैं लौटाऊंगा। ये फंसा पंडित रामाकृष्णा। पंडित रामाकृष्णा, ये आप क्या बोल रहे हैं? उचित है, फिर आप धन की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आप हमें गलत साबित नहीं कर पाएंगे। ये क्या कर दिया आपने पंडित रामकृष्णा? दिवोदास की समस्या का समाधान कैसे ला पाएंगे आप? विजयी होने की आदत ने कहीं में दुस्साहसी तो नहीं बना दिया? ए बंधु! रामा, तू पागल हो गया है क्या? कल एक योद्धा से युद्ध के मुकाबले की चुनौती स्वीकार कर ली और आज ये चुनौती। दिवोदास की चुनौती का कोई तोड़ हो ही नहीं सकता है रामा, तू हारेगा। दिवोदास महोदय, आप कल आइए, कल या तो पंडित रामकृष्ण आपको गलत सिद्ध कर देंगे या अपना धन वो आपको दे देंगे। धन्यवाद महाराज। महाराज, हमें भी आज्ञा दीजिए। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण सत्य कहा है किसी महापुरुष ने कि जीतने की आदत बुरी होती है। आपको ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि आप इस बार सीमा लांघ रहे हैं? हमें खेद है कि हमने आप जैसे अति महत्वाकांक्षी और दुस्साहसी व्यक्ति को अष्ट दिग्गज के पद के लिए चुना है। जी। हाँ पंडित रामकृष्ण, अब देखिए ना, देखिए देखिए महाराज को कितना विश्वास है आप पर। आपको विजयनगर का अष्ट दिग्गज बना दिया और आप ऐसी मूर्खता कैसे कर सकते हैं? ये देवदास की चुनौती को कैसे हल कर पाएंगे आप? सत्य कथन है गुरुवर का, बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। जी महाराज, योग्य लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं जबकि अयोग्य लोग बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। पंडित रामकृष्णा मरण रहे, यदि इस बार आप पराजित हुए तो अष्ट दिग्गज का पद आपसे छीन लिया जाएगा। महाराज कृष्ण देव राय की जय! महाराज कृष्ण देव राय की जय! महाराज कृष्ण देव महाराज कृष्ण देव राय की। अब गई पंडित रामकृष्णा की भैंस पानी में, ये फंसा दोहरी समस्या में, एक और शैतान सिंह, दूसरी और दिवोदास।
एक दुविधा को सुलझाने में लगा रहा तो दूसरे में अवश्य पराजित होगा ये पंडित रामकृष्णा। ये क्या रामा, ये तो अनुचित है। तू ये सब महाराज और राज्य के लिए ही कर रहा है ना, तो महाराज तुझे ही गलत क्यों समझ रहे हैं? तू उनको सच क्यों नहीं बता देता है कि योद्धा की चुनौती तूने उनके प्राण बचाने के लिए और देवदास की चुनौती राज और आचार्य चक्रपाणी का सम्मान बचाने के लिए स्वीकार की है? नहीं बंधु, भलाई करके कभी जताना नहीं चाहिए, हमें तो केवल अपना कर्म करना चाहिए। और मैंने जो किया वो मेरा धर्म है। अरे कर्म कांडी, ये कर्म नहीं कांड किया है, तू जीतेगा कैसे रामा? तेरे पास ना तो शैतान सिंह की काट है ना ही देवदास का तोड़। अरे मौनी बाबा कुछ तो बोल। हमारी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अब हमें आग में और घी डालने का कार्य करना है। और हमें? तुम लोग वही करते रहो जो हमने तुम्हें कहा। देखिए देखिए तथाचार्य जी, वो पंडित बहुत ही बुद्धिमान है। जब भी उसके घर जाता हूँ अत्यंत पीड़ा पाता हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है शैतान सिंह, अब तो मात्र पंडित रामकृष्णा का ही बुरा होने वाला है। शारदा क्या उठा लो, क्या ये सब? मेरे वस्त्र ऐसे फेंक कर द्वार क्यों बंद कर लिया? लोटा, अरे अम्मा क्या है ये सब? समझ नहीं आ रहा है ज्ञानी पंडित, आपको घर से निकाल दिया गया है। अपने कपड़े बर्तन संभाल, अब तो किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा तुझे। क्या बोल रहे बंधु, पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा? सोते समय किसी कीड़े या सांप ने डंक मार दिया तो वन्य पशु भी उठा कर ले जाता है, उसे तो उठा लो कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नहीं, अरे अम्मा, शारदा गुंडप्पा, अरे द्वार खोलो, द्वार खोलो, नहीं तो मैं सच में घर छोड़कर सदैव के लिए चला जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा हुआ जो द्वार खोल दिया, नहीं तो मैं सच में चला जाता। हाँ, शैतान सिंह से निपटने की युक्ति मिली? नहीं मिली है, किंतु मिल जाएगी। तो ठीक है, आप भी समझ लीजिए कि हमने ये द्वार आपको विदाई देने के लिए खोला है। इस घर के सारे द्वार आपके लिए सदैव के लिए बंद हो चुके हैं। अरे नहीं 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 नहीं, शारदा अम्मा गुंडप्पा, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे विषय में सोचो, मैं क्या करूंगा, कहाँ रहूंगा? तूने शैतान सिंह की चुनौती स्वीकार करने से पहले हमारे विषय में सोचा था? नहीं, नहीं सोचा था। अरे मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, यहाँ मेरे प्राण संकट में हैं और इन सबको अपनी पड़ी है, किसी को मेरी नहीं पड़ी। हाँ, किसी को मेरी नहीं पड़ी। अरे परिवार का साथ होना तो मनुष्य ईश्वर तक से लड़ सकता है, वो शैतान सिंह क्या चीज है? किंतु नहीं, मेरा परिवार तो ऐसा है ऐसा। मैंने सुना था कि एक सफल मनुष्य के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, किंतु मेरी माता श्री, मेरी पत्नी श्री और तू नहीं। मेरे घर की स्त्रियां तो ऐसी हैं जो मुझे बार बार घर से बाहर निकालती हैं। और तू गुंडप्पे सुन, सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राण तक दे दे, किंतु तू इन दोनों स्त्रियों के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकालता है ना। अरे मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई कैसे रहे यहाँ? किसी को मेरा साथ नहीं देना है, कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं है। देखा ईश्वर, इस घर में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, मैं जा रहा हूं। ए बंधु। रामा, यहाँ सच में कोई तेरा हाथ पकड़कर रोकने वाला नहीं है, अब तुझे जाना ही होगा। उचित है, मैं जा रहा हूं अम्मा।
मैं सचमुच जा रहा हूँ। उचित है, मैं चला जाता हूँ। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। कोई मुझे हम सभी तुझी को लेकर चिंतित हैं। तुझे ये समझाने के लिए ये सब कर रहे हैं कि तुझसे त्रुटि हुई है। बता कितनी बड़ी मूर्खता की है तूने। शैतान सिंह जैसे योद्धा से कैसे लड़ पाएगा तू? रामा, ईश्वर की कृपा है कि इनको दिवोदास की चुनौती के विषय में अब तक ज्ञात नहीं है, नहीं तो तेरा पिट कर घर से निकलना तय है। रामा के घर पर तो शांति है गुरुवर। हम जाकर करें इतना शांति भंग, तो चलो ना। सब नहीं, सब नहीं, एक एक करके शांति भंग करनी है ताकि पंडित रामाकृष्णा को सोचने का अवसर ही ना मिल पाए। और सबसे पूर्व हम और धनी बनी जाएंगे। आओ। लामा, और कितना दबाओ, तू सोचा? सोच आने वाली थी, तूने टोक दिया। अब सोच चली गई ना, देखो इसको। जला दिया। शर्दा, ये क्या है? काढ़ा दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका है काढ़ा देने का? बोल भी तो सकती थी ना। अगर बोलते तो आपकी सोच चली जाती तो। ठीक है ठीक है, चिल्ला क्यों रही हो? चला। पंडित रामाकृष्णा, हम आप ही से मिलने आए। अब ठीक है ना? रामा, अब ये लोग दिवोदास वाली बात सबको बता देंगे। हाँ हाँ गुरुवर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए ना बाहर चलकर वार्तालाप करते हैं, मुझे खुली हवा में विचरने की अत्यंत आवश्यकता है। चलिए चलिए। क्यों, 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 बाहर क्यों, बाहर क्यों? खुला खुला आंगन है, द्वार भी खुला है, शीतल हवा का प्रवाह हो रहा है, बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हैं? पंडित रामाकृष्ण, अब हम क्या करें? आपकी दशा, मनोदशा दोनों समझ सकते हैं। दोहरा वार जो हुआ है आप पर। दोहरा वार? कैसा वार? अरे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको नहीं पता शारदा देवी? पंडित रामाकृष्ण ने आपको नहीं बताया? ओहो हो 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 हो, इन्होंने दिवोदास की चुनौती को भी स्वीकार कर लिया है। दिवोदास की चुनौती? हाँ, दिवोदास, वो आप कैसे जानेंगी? वो एक बेरोजगार विद्यार्थी है। और ये भी कहा है, यदि ये उन्हें गलत प्रमाणित नहीं कर पाए तो उन सबका जितना भी धन है ये स्वयं देंगे। अब सोचिए, आप सब सोचिए, उन सब का मिलाकर धनराशि कितनी हो जाएगी? कई सहस्त्र मुद्राएं। कई सहस्त्र? हाँ। तू कहां से लाएगा? लामा, कभी इतना धन स्वप्न में भी देता है? अभी आगे सुनिए, आगे सुनिए, हमारी बात पूरी नहीं हुई है। इससे भी भयानक बात महाराज ने स्पष्ट कह दिया है, यदि कल पंडित रामाकृष्णा पराजित हो गए तो इनसे अष्ट दिग्गज का पद भी छिन जाएगा। बताइए पंडित रामाकृष्णा, आप क्या क्या बचा पाएंगे? दिवोदास से अपना धन, महाराज से अष्ट दिग्गज का पद, या शैतान सिंह से अपने प्राण? सच में दोहरा वार हुआ है आप पर। दोहरा क्या, तो तीसरा हो गया, महाराज ने भी तो कर दिया।
अब हमें याद नहीं आप कैसे बच पाओगे। हमें चिंता हो रही थी इसीलिए हम चले आए। अब चलते हैं। हाँ प्रार्थना करेंगे हम आपके लिए। मत कीजिए। किंतु गुरुजी आप तो कभी प्रार्थना करते ही नहीं है। कल तो आपने बिना नहाए खाना खा लिया था। आज हम प्रार्थना करेंगे अपने प्रिय मित्र पंडित रामकृष्णा के लिए। और तुम लोग बाहर मिलो। आज तुम्हें तुम्हारी अम्मा याद ना दे रही तो हमारा नाम भी तथाचार्य नहीं। चलते चलो। देवदास तुम यहाँ? हाँ आपका कार्य सरल करने आए हैं। कौन सा कार्य? कल आप पराजित जो होने वाले हैं और संपूर्ण नगर जानता है कि आपके पास इतना धन नहीं है कि आप हमको दे सके, इसीलिए मैं इनको लाया हूँ। ये आपको धन देंगे। अम्मा, धन देंगे? आइए 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 आप सब भी आइए। अरे भीतर आइए। अरे सुनिए। आइए आइए क्या? आइए 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 आइए। एक क्षण रुकिए। ये मुझे धन क्यों देंगे? आपके घर के एवज में देंगे। अर्थात? भाइयों एक एक चीज अच्छे से देख लो, कहीं कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। ये 5 मुद्रा का होगा? नहीं नहीं, अम्मा कह रही हैं कि ये 7 मुद्रा का है। अम्मा ने इसे मदुराई से मंगाया है। ओ अमेश्वरी, ये 25 मुद्राओं का होगा? नहीं नहीं, अम्मा कह रही हैं कि 55 मुद्रा का है। अम्मा ने इसे दिवाली पर खरीदा था। इस निवास के मैं सिर्फ 15 सहस्त्र मुद्राएं ही दे सकता हूँ। 16 सहस्त्र मुद्राएं तो हम भी दे सकते हैं, परंतु इससे अधिक नहीं दे पाएंगे क्योंकि निवास साधारण है। 15-16 सहस्त्र मुद्राओं से हमारा क्या होगा? हमें तो 70-80 सहस्त्र मुद्राएं लेनी है। रामकृष्ण जी, आपके निवास स्थान के साथ आपके घर के आभूषण भी लेने होंगे। आभूषण? वैसे आभूषण कितने हैं आपके पास? हमारे आभूषण क्यों? कल आपकी पराजय तो निश्चित ही है ना, इसीलिए हम आपका घर सामान आभूषण सब बिकवाने आए हैं ताकि कल आप हमारा धन चुका सकें। चलो भाइयों खरीदारों, एक एक वस्तु देख लो और ठीक से मोल लगाना। स्वप्न में भी ऐसा मत सोचना देवदास, ना ही मैं पराजित होऊंगा और ना ही मेरा घर बिकेगा। अपने आदमियों को लो और निकलो यहां से। अम्मा निकलो। चलो निकलो निकलो यहां से। निकलो यहां से निकलो सबके सब निकलो। पंडित रामकृष्णा जी आज तो जा रहे हैं हम, किंतु कल सैनिक भी हमारे साथ होंगे और फिर तुम सब मिलकर भी अपने निवास को नहीं बचा पाओगे। अम्मा और लामा को मत मानना। अरे अम्मा तुम कहाँ उसकी बात सुन रही हो? अम्मा अम्मा लगती है अम्मा पहले ही मार लिया बहुत। कल तो ये लोग निवास खरीदने आ ही जाएंगे। हम तो कहते हैं अम्मा कि हम सब अपने मायके भाग जाते हैं। हाँ। अरे अम्मा रुक जाओ, लगेगी। अरे गुंडप्पे तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं। घर तो बिक जाएगा इनकी हार के पश्चात, कम से कम शैतान सिंह के हाथों इनकी जान तो बच जाएगी। तुम क्या बोल रहे हो अम्मा? रुको। कैसे हो पंडित रामा? मुझे देखकर चौंक गए क्या? यहाँ पधारने का कारण? अपने शिकार की रखवाली। वो क्या है ना, अब तुम्हारी इस गर्दन पर मेरा अधिकार है और हो सकता है कि कल तुम्हारा ये निवास बिक जाए। और बेघर होने के पश्चात ये पूर्ण संभावनाएं हैं, तुम अपने प्राण बचाकर भाग जाओ। मैं क्यों भागूंगा? प्राण किसे प्यारे नहीं होते रामकृष्ण, और तुम्हारी इस गर्दन को तो मैं अखाड़े में काट ही दूंगा। इसीलिए अपने साथ ये 4 लठैत लाया हूं जो तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारे ऊपर पहरा देंगे ताकि तुम्हारा ये घर बिकने के पश्चात मुकाबला होने तक तुम्हें यहाँ से ये भागने न दे। चारों दिशाओं में फैल जाओ और चारों पहर इस पंडित पर निगरानी रखो।
किसी भी सूरत में यहाँ से भागना नहीं चाहिए। एक बात तुम भी स्मरण रखना शैतान सिंह, चाहे जो कुछ भी कर लो मैं तुमसे मुकाबला अवश्य करूंगा। यदि नहीं करोगे तो विवश करना मुझे अच्छे से आता है। लो, अब तो हमारे भागने का मार्ग भी बंद हो गया अम्मा, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज सत्य में तेरे जीवन का सबसे बुरा दिवस है रामा, द्वार खोल, पक्का यमदूत होगा, अब उसी का आना शेष है। गुरुवर चक्रपाणी, आप यहाँ आइए ना, भीतर आइए। जी, क्या आपकी भी कोई चुनौती स्वीकार की है इन्होंने? नहीं, पंडित रामाकृष्णा ने हमारे लिए अपितु यूं कहे कि संसार के समस्त गुरुओं के लिए चुनौती स्वीकार की है। पंडित रामाकृष्णा से अधिक इस संसार में कोई साहस कर ही नहीं सकता। पंडित रामाकृष्णा, तुम सत्य में सबसे भिन्न हो, तुम हमारी आशा की अंतिम किरण हो। कल दरबार में क्या होने वाला है ये सोचकर ही मन विचलित हो रहा है। यदि तुम हार गए तो लोगों का गुरुओं और शिक्षा से विश्वास ही उठ जाएगा, और विजयनगर में ही नहीं अपितु तो संपूर्ण भारतवर्ष में अराजकता फैल जाएगी। तुम तो भली भांति समझते हो कि गुरु अपने सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा देता है, किंतु सभी छात्र समान रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं करते, और यदि तुम कल पराजित हो जाते हो तो वे सभी छात्र जो अपनी अयोग्यता के कारण बेरोजगार हैं, अपने गुरुओं से अपनी शिक्षा पर हुए व्यय को मांगने चले आएंगे। तत्पश्चात कोई भी गुरु किसी भी छात्र को शिक्षा नहीं देगा, ना ही कोई छात्र शिक्षा के लिए आएगा। अब तुम ही कोई मार्ग दिखा सकते हो। परंतु ये क्या मार्ग निकालेंगे गुरुवर, ये तो खुद ही अपनी समस्याओं के कारण कंगाल होने की सीमा पर खड़े हैं। नहीं, पंडित रामाकृष्ण हर असंभव को संभव कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। क्यों रामाकृष्ण, समाधान करोगे ना? मैं प्रयास करूंगा गुरुवर, बाकी माँ की कृपा। अब हम प्रस्थान करेंगे। बहुत ही चिंतित लग रहा है, जो वो कर रहा है संसार के हित के लिए कर रहा है। ईश्वर करे उसे समाधान मिल जाए। हाँ अम्मा, हम जाकर उनकी मदद करें। नहीं, उसे एकांत चाहिए, एकांत ही उसे समाधान देगा। उचित है अम्मा। We'll be right back.
मैंने तो अभी तक कोई समाधान भी नहीं सोचा। हे माँ, कौन सा हल लेकर जाऊंगा दरबार में? आ गए। क्या बात है पंडित रामाकृष्णा जी, आज आपके मुख पर आत्मविश्वास की कमी झलक रही है, क्या बात है? दुखदाई है पंडित रामाकृष्णा, परंतु कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। अब ज्ञात नहीं महाराज ने अगला अष्ट दिग्गज चुना भी होगा या नहीं चुना होगा। रामा क्या करेगा आज? देवोदास आने ही वाला होगा। क्या कहूंगा देवोदास से, कैसे गलत सिद्ध करूंगा उसे? बड़ा उदास लग रहा है पंडित रामाकृष्ण, कुछ बोल भी नहीं रहे। पंडित रामाकृष्ण जी, ये पसीना, आपके माथे पर पसीना, क्यों, कैसे, किस लिए? अरे पंखा लाओ, पंखा लाओ, पंखा लाओ। पंडित रामाकृष्ण जी पंखा लीजिए, पंखा झड़ लीजिए, पसीना सूख जाएगा। गुरु जी पंखा दे दिया, पसीना सुखाइए पंडित रामाकृष्ण जी। पंखा चलाना आता है ना? ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए पंखा जो है वो पसीना सुखाने का काम कर सकता है, परंतु पंखे को झलने का काम तो हमें स्वयं करना पड़ता है। पंखे को छलने का काम तो हमें स्वयं करना पड़ता है। अचानक से पंडित रामाकृष्ण इस प्रकार से मुस्कुरा क्यों रहा है? महाराज कृष्ण देव राय की जय! 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 तो कहिए पंडित रामकृष्णा। महाराज तो समाधान मिल गया पंडित रामकृष्णा? समाधान तो हमको मिलेगा धन के रूप में। हम धन ले जाने के लिए थैला साथ लेकर आए हैं। प्रणाम महाराज, हमें विश्वास है आज हमें न्याय मिलकर रहेगा। और हमें पूर्ण विश्वास है पंडित रामाकृष्णा की बुद्धिमानी पर। चक्रपाणी कहाँ अटके? प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरु। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज पंडित रामाकृष्णा देवोदास को गलत सिद्ध कर ही देंगे। तो कहिए पंडित रामाकृष्णा, अब क्या कहना चाहते हैं आप? अब देखिए पंखा जो है वो पसीना सुखाने का काम कर सकता है, परंतु पंखे को झलने का काम तो हमें स्वयं करना पड़ता है। अब आप देखते जाइए गुरुवर कि किस प्रकार आप ही के दिए पंखे से मैं देवोदास के पसीने कैसे छुड़ाता हूँ। हाँ तो देवोदास, आप मुझे ये बताइए कि आपके अनुसार आप सबकी कितनी राशि निकलती है? 371,615 मुद्राएं। कैसे? देखिए हम 5 छात्र हैं, 12 वर्षों तक हमने आचार्य जी से शिक्षा ग्रहण की है, प्रति माह 347 मुद्राएं शुल्क में भी दी, 12 वर्षों का हम सबका 371,615 मुद्राएं हो गई। एक माह का हुआ 347, तो 12 वर्षों का हुआ 12 × 12 = 144 × 347 हुए 49,968 और 5 छात्रों का हुआ 249,840। तो आप अधिक क्यों बता रहे हैं? आप गलत जोड़ रहे हैं,
आप केवल वो जोड़ रहे हैं जो हमने आचार्य को प्रतिमाह दिया। जो धन दिया है उसका ब्याज, ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज, वो कौन जोड़ेगा? और प्रत्येक व्यक्ति का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 74,323 मुद्राएं। इसे 5 से गुणा करेंगे तो 3,71,615 मुद्राएं होंगी। आप चाहे तो फिर से गणना कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल ये देखना चाहता था कि आपको गणित कितनी अच्छी तरह से आती है, और ये मानना पड़ेगा कि आप गणित जानते हैं। जी हाँ, और ये ज्ञान आपको गुरुवर चक्रपाणि से ही मिला है। तो महाराज, ये तो सिद्ध हो गया कि गुरुवर चक्रपाणि ने अपने छात्रों को गणित का ज्ञान बहुत अच्छे से दिया है। ये पंडित रामकृष्ण ये सब प्रश्न क्यों पूछ रहा है? कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं? अब आप मुझे ये बताइए कि आप रोजगार की खोज में सर्वप्रथम कहाँ गए थे? मैं सबसे पहले सूरत गया। अच्छा, सूरत, वही ना जो पूरब में बंगाल के पास है? क्या बात कर रहे हैं आप, सूरत पश्चिम भारत में है, गुजरात में है। अच्छा, उसके पश्चात कहाँ गए थे? उसके बाद मैं उज्जैन गया। उज्जैन, वही जो व्यापार का मुख्य केंद्र है, वही सूरत के आगे पश्चिम में ही तो है। बिल्कुल नहीं, उज्जैन सूरत से पूरब में है, और वो कोई व्यापार का केंद्र नहीं है, धार्मिक स्थल है। महादेव का पौराणिक मंदिर है वहाँ पर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। माता का शक्ति पीठ है वहाँ पे, और वहाँ शिप्रा नदी के किनारे 4 महाकुंभों में से एक कुंभ समय समय पर लगता है। अच्छा हाँ, वही ना जहाँ राजा राम का राज हुआ करता था। आप विक्षिप्त हो गए हैं क्या रामकृष्णा जी? राम अयोध्या के राजा थे, उज्जैन तो राजा विक्रमादित्य की नगरी थी। वहाँ आज भी विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि की साधना की गुफा है। अवश्य होगी, एक ना एक दिन भ्रमण करने अवश्य जाऊंगा वहाँ। आप ये बताएं कि उसके पश्चात आप और कहाँ गए? उसके पश्चात मैं दिल्ली गया। दिल्ली, वही ना जहाँ मनुस्मृति का न्याय चलता है। रामकृष्णा जी, आप कितने अज्ञानी हैं। दिल्ली में मुगल शासन है, वहाँ पर इस्लामिक कानून चलता है, और मनुस्मृति का प्रचलन तो अब लगभग खत्म हो चुका है। कैसे? केवल वही एक संहिता तो बची है भारत में अब। क्या कह रहे हैं आप, और भी बहुत सारी संहिताएं हैं। परशुराम की संहिता, वशिष्ठ पराशर की संहिता, और न्याय और नियम के लिए सबसे उत्तम और उत्कृष्ट है चाणक्य की चाणक्य नीति। अच्छा, वो सब रहने दीजिए, आप ये बताइए कि दिल्ली के पश्चात आप कहाँ गए थे? दिल्ली के पश्चात मैं कहाँ गया कहाँ नहीं, इससे आपको क्या लाभ? वैसे भी आपको इतिहास, भूगोल, न्याय और दर्शन का तनिक भी ज्ञान नहीं, फिर भी बार बार पूछ रहे हैं। क्योंकि आपको ज्ञान है, आपको इतिहास, भूगोल, न्याय शास्त्र और दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान है, और ये ज्ञान भी आपको गुरुवर चक्रपाणि से ही मिला है। ये मूर्ख देवदास पंडित रामकृष्णा की बातों में आकर साबित किया जा रहा है कि उसे चक्रपाणि से खूब ज्ञान मिला है। अच्छा, आप ये बताइए कि भोजन कैसे खाते हैं? पत्नी पकाकर खिलाती है? कमाल की बात करते हैं आप, मैं बेरोजगार हूँ, अविवाहित हूँ, स्वयं पकाकर खाता हूँ। अच्छा, क्या पकाते हैं? दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय, सभी तरह के व्यंजन पकाता हूँ। अरे वाह, इतना सब पकाना कैसे आता है आपको? महाराज, ये भी इन्हें हमने ही सिखाया है। असल में हमें सभी भारतीय प्रांतों के भोजन प्रिय है, इसलिए हमने अपने सभी छात्रों को सभी व्यंजन बनाने का तरीका सिखाया है, ताकि जब वो भोजन बनाएं, तो हम भी उसका आनंद ले सकें। आप ही ने भोजन पकाना सिखाया है, किंतु अब मैं क्या करूं? भोजन पकाने के लिए अनाज, घी, तेल खरीदना पड़ता है, और उसके लिए धन चाहिए, और धन मेरे पास है नहीं। मानता हूं इन्होंने मुझे सब सिखाया, किंतु मेरे पास रोजगार नहीं है। देवदास, रोजगार आपके पास है, किंतु आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। आप सारे भारत का व्यंजन बनाना जानते हैं, आपको इतिहास, भूगोल, दर्शन, न्याय शास्त्र और गणित का भी कितना अच्छा ज्ञान है। तो यदि आप एक ऐसा भोजनालय खोल लें जहाँ पे भारत के सभी प्रांतों के भोजन के साथ साथ उन प्रांतों का इतिहास, भूगोल और दर्शन भी बताया जाए, तो कितना अनोखा भोजनालय खुल जाएगा। आप उस भोजनालय में अपने साथियों को हिस्सेदार भी बना सकते हैं। इस तरह आप सबको रोजगार भी मिल जाएगा, और लोगों को अच्छे भोजन के साथ साथ उन प्रांतों का ज्ञान भी मिल जाएगा। देवदास,
अपने गुरु के महत्व को समझें। गुरु का दिया हुआ ज्ञान सदैव आपके पास रहने वाला है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। और उस ज्ञान के बदले आपने जो अपने गुरु को शुल्क दिया है ना, वो बहुत तुच्छ है। यदि गुरु के दिए हुए ज्ञान का उपयोग आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो वो ज्ञान आपके प्रयोग में आएगा कैसे? गुरुवर, ये ज्ञान मुझे आज आपसे प्राप्त हुआ कि पंखा हवा देता है, किंतु हवा प्राप्त करने के लिए उसे झलना हमें ही पड़ता है। ठीक वैसे ही देवोदास, आपके ज्ञान का सही उपयोग ही आपको आपके ज्ञान का सुख दे सकता है। आप अपने ज्ञान का सही उपयोग ही नहीं कर रहे हैं और बदले में अपनी बेरोजगारी का दोष अपने गुरु पर मढ़कर उनसे ही धन प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ यही होता है कि आप रोजगार स्वयं पैदा करें। शिक्षित होने के पश्चात भी यदि आप अपने रोजगार के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, तो व्यर्थ है आपका शिक्षित होना। भोजनालय खोलने के लिए धन की आवश्यकता होती है महाराज, परंतु धन हमारे पास है कहाँ? हम देंगे धन आप सभी के रोजगार के लिए। नहीं महाराज, मेरे विचार से इन्हें धन देना उचित नहीं होगा। क्यों? आप इन्हें धन नहीं, अनुदान दें, वो भी ऋण के रूप में, ताकि अपने रोजगार से वो धन पुनः कमाकर आपको लौटा सके। फिर वही धन किसी और बेरोजगार के कार्य आएगा। उचित कथन है आपका पंडित रामकृष्ण। इससे आने वाली समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और उसी धन से बार बार लोगों की सहायता भी हो पाएगी। महाराज, हमें पूर्ण विश्वास था कि पंडित रामकृष्णा इस समस्या का समाधान निकाल ही लेंगे। हमें आपके इस अष्ट दिग्गज पे गर्व है महाराज। पंडित रामकृष्णा धन्यवाद। महाराज, हमारा कार्य संपन्न हुआ, अब हमें विदा कीजिए। धन्यवाद गुरुवर। और आप सब शिक्षित हैं, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा का सही उपयोग कीजिए, आपका धन आपको प्राप्त हो जाएगा, आप जा सकते हैं। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्णा, कल हमने दरबार में कहा था कि हमें खेद है कि हमने आपको अपना अष्ट दिग्गज नियुक्त किया, परंतु आज हम अपने शब्द वापस लेते हैं। और असल में हमने अष्ट दिग्गज का पद छीनने की बात आपको उकसाने के लिए कही थी, ताकि आप शीघ्र समाधान खोज सकें। महाराज, मैं जानता हूँ आपने ये बात मुझे उकसाने के लिए कही थी, ताकि फिर एक बार मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरूं। हम विजयनगर राज्य को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे पास आप जैसा अष्ट दिग्गज है। आप विजयनगर राज्य का गर्व है पंडित रामकृष्णा। पंडित रामकृष्णा, हमारे एक वार से तो तुम बच गए, परंतु हमारा दूसरा वार शैतान सिंह तुम्हें बचने का अवसर नहीं देगा। अब भी समय है रामा, मान जाओ, अपनी पराजय को स्वीकार कर लो। नहीं, मैं अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। तो अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। गुरुवर, ये मारा वो मारा, किसे मारा, किस विषय में बात कर रहे हैं आप? बताइए गुरुवर, क्या मारा? दीवा स्वप्न भी दिखा महाराज। दीवा स्वप्न
गुरुवर, रात दरबार में कार्रवाई चल रही है और आप स्वप्न देख रहे हैं। अचानक दिख गया महाराज। वो क्या है कि पंडित रामाकृष्णा की बहुत चिंता रहती ना हमें, तो इनसे जुड़ा हुआ दीवा स्वप्न दिख गया। पंडित रामाकृष्ण की चिंता? परंतु वो तो सकुशल है, आज ही उन्होंने देवदास से विजय प्राप्त की है, समस्या का समाधान निकाला है उन्होंने आज। हाँ, परंतु वो शैतान सिंह की तलवार अभी भी पंडित रामाकृष्णा के ऊपर लटक रही है ना महाराज। तो हमने स्वप्न देखा, हमने देखा कि पंडित रामाकृष्णा और शैतान सिंह के मध्य युद्ध हो रहा है, और कैसे बताएं? बताइए गुरुवर। वो हमने देखा कि पंडित रामाकृष्णा ने शैतान सिंह को मार दिया है। अद्भुत अद्भुत, ईश्वर करे आपका स्वप्न सत्य हो गुरुवर, पंडित रामकृष्ण की विजय हो। अभी आप सबकी प्रसन्नता को भंग करते हैं हम। संभवतः ऐसा होता, परंतु क्या गुरुवर, आपकी शंका का कारण क्या है? मुहूर्त महाराज, अनुचित मुहूर्त। वो जो हमने स्वप्न देखा महाराज, जिस मुहूर्त में देखा तो वो मुहूर्त अच्छा नहीं है महाराज, उसका प्रभाव उल्टा होता है महाराज। इसलिए पंडित रामाकृष्णा की पराजय एकदम सुनिश्चित। यदि ये स्वप्न एक पल के पश्चात आता, अर्थात अभी आता, तो मुहूर्त बदल जाता और इसका प्रभाव सीधा हो जाता, पंडित रामाकृष्णा की विजय सुनिश्चित हो जाती। परंतु महाराज, यहाँ विचार योग्य बात यह है कि यदि पंडित रामाकृष्णा पराजय हुए तो समस्त विजयनगर की पराजय होगी महाराज। सारा दोष पंडित रामाकृष्णा का, इनके अति आत्मविश्वास का दोष है महाराज। और महाराज, हमारी राय यह है कि पंडित रामाकृष्णा को अष्ट दिग्गज के पद से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि महाराज यदि पंडित रामाकृष्णा पराजित हुए तो सब लोग यही कहेंगे कि विजयनगर के अष्ट दिग्गज पराजित हो गए। महाराज, ये सब हम विजयनगर की भलाई और सम्मान के लिए कह रहे हैं। क्यों पंडित रामाकृष्णा जी? ये पंडित रामाकृष्णा को कोई सदमा तो नहीं पहुंच गया महाराज? पंडित रामाकृष्णा, क्या बात है? महाराज, गुरुवर की बातें सुनते सुनते मुझे भी एक स्वप्न आया, वो ही देख रहा था। आज तो रात दरबार में स्वप्न समूह आया हुआ है, तो बताइए आपको क्या स्वप्न आया? क्योंकि अभी अभी गुरुवर ने बताया कि मुहूर्त शुभ है, इस समय जो भी स्वप्न देखेगा वो अच्छा और सच्चा हो सकता है। अच्छा, मैंने गुरुवर को ही देखा महाराज। क्या देखा? मैंने देखा गुरुवर नंगे पांव चलते हुए विजयनगर की 7 बार परिक्रमा करते हुए मेरे विजय की कामना करते हुए मेरे लिए रक्षा मंत्र पढ़ रहे हैं महाराज। वाह वाह पंडित रामकृष्ण, क्या स्वप्न देखा है महाराज, बहुत अच्छे। अर्थात आपको ऐसा करना चाहिए गुरुवर। हमें क्यों करना महाराज, हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे। अभी अभी आप ही ने कहा था ना, मुहूर्त अच्छा है, इस समय जो भी स्वप्न आएगा वो सच्चा होगा। हाँ महाराज, गुरुवर अवश्य करेंगे, और इनके ऐसा करने से केवल मेरी नहीं विजयनगर के अष्ट दिग्गज की विजय होगी, क्योंकि गुरुवर तो मेरे और विजयनगर दोनों के शुभ चिंतक हैं, है कि नहीं गुरुवर? सत्य वचन। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण कुछ पूछ रहे हैं आपसे। महाराज, अब इसमें कहने वाली क्या बात है? गुरुवर नगर की 7 बार परिक्रमा करते हुए मेरी विजय कामना करते हुए मेरे लिए रक्षा मंत्र अवश्य पढ़ेंगे। हमारे ही दाव से हमको मात दे रहे हो पंडित रामकृष्ण, देख लेंगे तुम्हें। आपने कुछ कहा गुरुवर? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे महाराज। मेरी आपसे एक और विनती है,
गुरुवर मेरे और राज्य के सम्मान के लिए इतना कठिन कार्य करने जा रहे हैं, तो इनकी परिक्रमा करते समय इनके साथ कुछ सैनिकों को नियुक्त करवा दे। क्यों क्यों? क्योंकि आपकी परिक्रमा में कोई विघ्न ना आए गुरुवर, इसलिए। ये सैनिक साथ रहेंगे तो हमको पूरी 7 परिक्रमा करनी ही पड़ेंगी, नहीं तो हम 1-2 परिक्रमा करके लौट जाते। पंडित रामाकृष्णा, तुम हमको बुरा फंसा रहे हो, देख लेंगे तुम्हें। उचित है, तो जब गुरुवर परिक्रमा कर रहे होंगे तो उनके साथ कुछ सैनिक जाएंगे उनके अंग रक्षक बनकर, क्यों गुरुवर? ठीक है ना? जी जी ठीक है महाराज, उचित है। अब आएगा आनंद गुरुवर, आज के पश्चात आप दरबार में स्वप्न नहीं देखेंगे। परिक्रमा से तो गुरुजी का हाल बुरा हो जाएगा। अरे इतनी गर्मी है, मुझे तो लगता है इस गर्मी में हमारे गुरुजी बेहोश होके गिर जाएंगे। अरे चुप रहो गधो, मनोज कहेंगे, जब भी बोलोगे बुरा बोलोगे, देखते रहना। हम इसका पूर्ण प्रतिशोध लेंगे पंडित रामाकृष्णा से, अर्थात शैतान सिंह पूर्ण प्रतिशोध लेकर रहेगा। आप आदमी नहीं है, ढोलक है, ढोलक है? दोनों ओर से बचते हैं। एक तरफ आप चाहते हैं कि मैं उस रामा को परास्त करूं, और दूसरी ओर उस रामा की विजयश्री के लिए परिक्रमा कर रहे हैं आप। शैतान सिंह एक बात बताओ। पूछो। बुद्धि बड़ी कि भैंस? भैंस, वो हमें दूध देती है। बैल थे, बैल हो, बैल रहोगे। कुछ कहा क्या? हम कह रहे हैं कि तुम हमारी इस बात का अर्थ नहीं समझोगे शैतान सिंह। अरे भैंस के दूध देने से मेरे ना समझने का क्या अर्थ है? क्योंकि तुम अभी तक बुद्धि के महत्व को नहीं समझ पा रहे हो। उस पंडित रामाकृष्णा ने तुम्हें अपने घर के बाहर गिराया, मधुमक्खियों से कटवाया, वो सब बुद्धि का कमाल था। भैंस का आकार इतना बड़ा होता है, परंतु मनुष्य छोटा होते हुए भी उसे पालतू बनाता है, उसका दूध निकालता है। ये सब दूध से होता है, नहीं बुद्धि से होता है। हम भी बुद्धि का खेल खेलेंगे पंडित रामाकृष्णा के साथ। इस आयु में आप खेल खेलेंगे, ये आपको शोभा देता है क्या? है? ये खेल नहीं, योजना है मूर्ख। अब देखो, आज सबको लगेगा कि हम पंडित रामाकृष्णा के लिए विजय मंत्र पढ़ रहे हैं, परंतु परिक्रमा के समय हम तुम्हारे लिए विजय मंत्र पढ़ेंगे और विजय श्री तुम्हें प्राप्त होगी। वाह 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 तथाचार्य जी, वाह! इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, वाह! हाँ ठीक है, अधिक उछलो मत, सावधान रहना। धनीमणि तुम्हारे साथ रहेंगे, पंडित रामाकृष्णा की हर गतिविधि हर तैयारी पर दृष्टि रखवाना, ताकि तुम पंडित रामाकृष्णा से उत्तम तैयारी कर सको, और बाकी का कार्य है हमारे मंत्र कर देंगे। आप चिंतित मत होइए तथाचार्य जी, मैं रामा की तैयारी पर दृष्टि रखूंगा और उससे अधिक तैयारी करूंगा। बधाई हो रामा, आज तू विजयी हो गया, आज तुझे कोई परेशान नहीं करेगा।